और सुखदेव जी महाराज ने सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को श्रीमद् भागवत की पावन कथा सुनाना प्रारंभ किया। और यहां से वह कथा प्रारंभ होती है जो कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को सुनाई है। तो सबसे पहले सुखदेव जी महाराज ने सृष्टि के क्रम का वर्णन किया है, सृष्टि की रचना भगवान ने कैसे की, वर्णन किया कि भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, भगवान विष्णु की नाभि से कमलनाल ब्रह्मा जी निकले, जब निकले तो निकलते ही चारों तरफ देखा इसलिए चतुरानन हो गए, कुछ समझ में नहीं आए तो फिर से नाल में प्रवेश कर गए, तब एक शब्द सुनाई दिया है तप, तब ब्रह्मा जी ने तपस्या की, तपस्या जब की तो ब्रह्मा जी को चतुः श्लोकी का ज्ञान भगवान नारायण के द्वारा प्रदान किया गया। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप संसार की रचना करो, सृष्टि के क्रम को बढ़ाओ। अब ब्रह्मा जी को सृष्टि क्रम को बढ़ाने का आदेश दिया गया, तब ब्रह्मा जी ने अपने मानसिक पुत्र उत्पन्न, अपनी संकल्प सृष्टि से चार पुत्र उत्पन्न किए। ध्यान से सुनिएगा, संकल्प सृष्टि से चार पुत्र, जिसमें से सनक सनंदन सनातन, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आदि चार पुत्र उत्पन्न हुए संकल्प की सृष्टि से। जब जी आए तो ब्रह्मा जी ने कहा चलो मेरे साथ सृष्टि की रचना करो, तो इन्होंने मना कर दिया, हम सृष्टि की रचना करने थोड़ी आए हैं, हम तो भजन करेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आया कि बताओ मेरे पुत्र मेरी ही बात नहीं मानते। और जब ब्रह्मा जी को क्रोध आया तो क्रोध के कारण ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से, भ्रकुटी मतलब ये दोनों भौहों के बीच में जो स्थान है वो है भ्रकुटी केंद्र, तो ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से भगवान रुद्र की उत्पत्ति हुई, क्रोध से, ब्रह्मा के क्रोध से भगवान रुद्र। अब भगवान रुद्र आए, ब्रह्मा जी से कहा बताओ क्या करना है, ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि की रचना करो, भगवान शंकर ने कहा ठीक है मेरे एक हाथ का काम है। सृष्टि की रचना भगवान शंकर ने की तो भूत प्रेत पिशाच साकनी डाकनी योगनी चुड़ैल यक्षिणी वगैरह सब बना डाले। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़े कहा महाराज आप रहन दो, यदि आप ऐसी सृष्टि बनाओगे तो फिर तो हो गया कल्याण, सृष्टि प्रारंभ होने से पहले ये भूत प्रेत खा जाएंगे, आप रहने दीजिए। भोले बाबा हो गए भजन में मस्त और ब्रह्मा जी हो गए फिर से व्यस्त। तो संकल्प सृष्टि से चार पुत्र, प्रकृति से भगवान रुद्र, भगवान रुद्र के बाद मानसिक सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की, मानसिक सृष्टि से 10 पुत्रों की उत्पत्ति हुई जिनमें से 10 ऋषि हैं, मरीचि अत्रि अंगिरा पुलत्स पुलह क्रतु भृगु वशिष्ठ दक्ष और देवर्षि नारद, ये 10 हुए मानसिक। ब्रह्मा जी की वाणी से सरस्वती मैया और ब्रह्मा जी की छाया से कर्दम ऋषि की उत्पत्ति हुई, इन सभी की उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने की। सोच रहे हैं कि मैंने जो मानसिक 10 पुत्र उत्पन्न किए शायद वही सृष्टि के क्रम को बढ़ा दे, लेकिन वे भी भजन करने में लग गए। तब ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा जी का एक नाम है, एक नाम का अक्षर से है, का मतलब है काया, काया मतलब होता है शरीर, तो ब्रह्मा जी के दाहिने अंग से स्वयंभू महाराज मनु, मामांग से देवी शत्रुपा की उत्पत्ति हुई और फिर इन दोनों ने मैथुन धर्म के द्वारा सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाया। जिस समय ब्रह्मा जी ने मनु शत्रुपा को उत्पन्न किया उसी समय हिरण्याक्ष नाम का दैत्य पृथ्वी को उठा करके पाताल में ले गया। अब मनु महाराज बोले कि बताओ पिताजी, ब्रह्मा जी पिता ही है मनु महाराज के, कहते हैं पिताजी अब बताइए सृष्टि की रचना कहां करें, पृथ्वी तो चली गई पाताल में। तो ब्रह्मा जी की नाक में खुजली हुई,
ब्रह्मा जी की नाक में खुजली हुई तो ब्रह्मा जी की नाक से एक छोटा सा जीव गिरा। देखते ही देखते विशाल काय स्वरूप उसने धारण किया और प्रकट हुए भगवान बराह। भगवान नारायण का दूसरा अवतार हुआ बराह के रूप में, सूकर के रूप में। और फिर भगवान बराह ने पृथ्वी की रक्षा की है, पाताल में पहुंच के हिरण्याक्ष का वध किया, पृथ्वी को वापस लाके ब्रह्मांड में पुनः पृथ्वी की स्थापना करा दी। अब जब पृथ्वी की स्थापना हुई, ब्रह्मा जी ने आदेश दिया अब सृष्टि क्रम को आगे बढ़ाओ। तो मनु महाराज ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि पिताजी, ये हिरण्याक्ष नाम का जो दैत्य है ये कौन था जिसका वध करने के लिए स्वयं नारायण को बराह रूप धरना पड़ा, ये आखिर था कौन? तब ब्रह्मा जी ने हिरण्याक्ष का पूर्व चरित्र सुनाया है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, द्वारपाल हरि के प्रिय दो जय अरुबे जय जान सबको विप्र श्राप ते दूनौ भाई तामस वसुर दिन पाई मुकुत न भये हते भगवान तीन जन्म निज बचन प्रमाण तीन जन्म निज बचन प्रमाण जन्म तेज बचन प्रमाण। कहा ये जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप है ये भगवान विष्णु के द्वारपाल थे, एक का नाम था जय और दूसरे का नाम था विजय। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, बड़े प्रिय थे, जय अरु विजय जान सबको, सब जानते थे इन्हें। एक बार की बात है, भगवान के गोलोक धाम में भ्रमण करते करते सनत कुमार आदि ऋषि भगवान का दर्शन करने पहुंच गए। अब जब सनकादिक ऋषि पहुंचे तो उस समय भगवान नारायण विश्राम में थे, जय और विजय द्वारपाल थे। अब संत कुमार आदि ऋषियों की उम्र है करोड़ों वर्ष, पर दिखते हैं 5 वर्ष के बालक की भांति। तो जय और विजय को लगा पता नहीं ये बच्चे कहां से खेलते हुए आ गए, इसलिए सनत कुमारों को बच्चा समझ के उनके पेट में लकड़ी से स्पर्श कराया, लकड़ी चुभाई और कहा चलो भागो, ये तुम्हारे खेलने की जगह नहीं। सनत कुमार आदि ऋषियों को क्रोध आया कि भगवान के द्वारपाल होते हुए तुम्हारा व्यवहार राक्षसों की तरह, तुम्हें तो सबके साथ विनम्रता से व्यवहार करना चाहिए, बच्चे हो, बूढ़े हो, युवा हो, कोई भी हो, क्योंकि तुम भगवान के द्वारपाल हो, जिनमें खुद इतनी विनम्रता है उनके द्वारपालों में भी तो विनम्रता होनी चाहिए, लेकिन तुमने हमारे साथ राक्षसों की तरह व्यवहार किया, इसलिए जाओ राक्षस बन जाओ और एक जन्म तक नहीं 3 जन्म तक राक्षस बन करके रहोगे, 3ों जन्म में भगवान तुम्हें मारेंगे, तब जाकर के तुम्हारा उद्धार होगा। तो वही जय और विजय एक जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र बन करके आए। मनु महाराज को ब्रह्मा जी ने ये सारी बात बताई। अब मनु महाराज कहते हैं कि ये जय और विजय कश्यप ऋषि के पुत्र हैं। तो कश्यप जैसे ऋषि के पावन कुल में ऐसे राक्षसों ने कैसे जन्म ले लिया? तब ब्रह्मा जी बताते हैं कि कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां हैं, दिति और अदिति। दिति से हुए दैत्य और अदिति से हुए हैं देवता। एक बार की बात है, शाम के समय कश्यप ऋषि आसन पर बैठ के भजन कर रहे थे। शाम का समय है, लगभग 6 बजे का समय, ये गोधूली बेला कहलाती है। ध्यान रखिएगा, ये जो शाम का समय है इस समय में व्यक्ति को
आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्यायश्च विशेषतः, ये चार कार्य विशेष रूप से नहीं करने चाहिए। क्या? आहारम शाम के समय खाओ मत, मैथुनम वासनाओं में लिप्त मत हो, निद्रा सो मत, स्वाध्याय और पढ़ो भी मत। तो क्या करो? कहा ये शाम का जो समय है ये कीर्तन का, आरती का, भजन का होता है। क्यों? कहा शाम के समय शास्त्रों में वर्णन है कि भगवान शंकर अपने गणों के साथ कैलाश पर्वत से उतर करके पृथ्वी पर विचरण करते हैं। शाम का समय भोलेनाथ शाम के समय पृथ्वी पर विचरण करते हैं, इसलिए ये जो गोधूली वेला है इस समय भजन करो, कीर्तन करो, आरती करो, सो मत, खाओ मत, वासनाओं में लिप्त मत हो और पढ़ो लिखो मत। पढ़ना है तो मानस, रामचरितमानस का पाठ करो, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ, ये करना चाहिए।